अवाम की मैंडेट, अवाम का लूटा हुआ वोट, उसका हक वापस नहीं ले सकते। ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इलेक्शन जो करवाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करवाया गया था। हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि इस इलेक्शन को जो चुराया गया है उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेके करे, बजाय इसके कि अवाम कानून की बालादस्ती हाथ से निकाल दे, लाकानूनियत फैल जाए, उससे पहले सुओ मोटो लेना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। इसका इल्जाम किसी और पे नहीं आना, इसका इल्जाम इदारों पे आएगा, इलेक्शन कमीशन पे आएगा, ब्यूरोक्रेसी पे आएगा और उन ऑफिसरों पे आएगा जिनों के पेट एक बलून है, बलून जिसको अवाम के टैक्स खाए चले जा रहे हैं और वो पेट फट नहीं रहे। पिछले 3 दिनों से आप और हम टेलीविजन पे लैला मजनू की प्रेस कॉन्फ्रेंसें देख रहे हैं, आधा आधा घंटा लैला मजनू के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बेवजह कर रहे हैं, बेवजह। अब मुझे ये बताओ, जो करोड़ों आदमियों का मुर्शिद हो, रूहानी पेशवा हो, वो खुद फैसला करेगा या अपने जीडीए के दोस्तों को? जीडीए के दोस्तों को इज्जत देता जरूर है, फैसला पीर पगारो अपने खुद फैसले करता है। तो अब ये फैसला उस ऐवानों के जो दरवाजे से अंदर जाके चोरी के वोटों पे हलफ उठाने जा रहे हैं, उनको खुद को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और बोलना चाहिए कि सिंध की अवाम शहूर के साथ उठ खड़ी हुई है। ये जो वोट के ढकोसला किया और इन्होंने जाली मैंडेट लिए, वो अब कबूल लेनी चाहिए और नए इलेक्शन के लिए खुद अनाउंस करना चाहिए।